अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। दलित और आदिवासी संगठनों ने कई शहरों में प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है और गोरखपुर से लेकर बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल और भदोही समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुआ है। आरक्षण बचाव को लेकर दलितों ने प्रदर्शन किया। आगरा में हाथों में नीला झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया। भारत बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और शहर शहर प्रदर्शनकारी जुलूस निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। दलित संगठनों के साथ अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल, भदोही, जहां पर बहुत सारे संगठनों ने विरोध प्रकट किया। और आरक्षण में कोटा के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज भारत बंद का ऐलान किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है और इस फैसले का मकसद सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को आरक्षण देने को प्राथमिकता देना है। लेकिन अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। भारत बंद का एसपी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता भारत बंद में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को देखते हुए जयपुर समेत राजस्थान के 4 जिलों में स्कूल बंद है। भारत बंद को बीएसपी ने समर्थन दिया है। मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लोगों से शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आरक्षण विरोधी षड्यंत्र करके निष्प्रभावी बनाकर इसको खत्म करना चाहती हैं। क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता और संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियां समझकर उसके साथ कोई भी खिलवाड़ न करें। भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। यह शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़खानी के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। उधर भारत बंद को पक्षी पार्टियों के समर्थन पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है, प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज़्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। और चर्चा के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं और साथ ही कामिर कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं। अमित, वहां इस बंद का किस प्रकार असर देखने को मिला और संगठनों का क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था, उसके बाद कहा गया क्रीमी लेयर को से दूर रखा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह का प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे जो है संगठन आए जा रहे हैं, बसपा, सपा और अन्य दलों ने भी इसका समर्थन किया है। जो लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप विरोध में यहाँ पर आए हैं, क्या आपका कहना है, किस विरोध में आप यहाँ पर आए हैं? जी भैया, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर जो एससी एसटी एक्ट को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, बस हम उसी के लिए आए हैं, इन भाइयों के साथ। हाँ जी, आप क्या मांगे, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह की आपकी मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, ज्ञापन ले लिया है, अब देखो क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद डीएम साहब बताएंगे। लेकिन देख रहा हूँ हजारों की तादाद में यहाँ युवा आए हुए हैं और कह रहे हैं कि हाँ संविधान को बचाना है। कुछ और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं। आस्था जी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इनके हाथ में है, ये देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर भारत बंद, आज आपने भारत बंद का आह्वान किया है, क्या आप लोगों की मांगे हैं, क्या मांगे हैं?
मांगे क्या है आपकी, किस मांग को लेकर आप आए हैं यहाँ? ये जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है कि वर्गीकरण जो हो रहा है एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक का, तो ये हमें जो आरक्षण मिला है भीख में नहीं मिला है, ये हमारा अधिकार है। संविधान की कॉपी लेके लोग बाग मेरे साथ हैं, संविधान की कॉपी आपने हाथ में ली हुई है, मैं देख सकता हूँ। आप भी विरोध प्रदर्शन अपना करने आए हैं, मुझे बताइएगा क्या आपके कहना है, क्या आपकी मांगे हैं? आपने संविधान की कॉपी हाथ में ली हुई है। हम आरक्षण बचाने आए हैं जी। क्या लगता है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है क्रिमिनल को दूर रखना चाहिए, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या आपको लगता है कि क्या गलत करा है, क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे आरक्षण बचाओ, बस आरक्षण बचाओ। मतलब क्रिमिनल से आपको कोई मतलब नहीं है, आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ। आपसे ना चाहूंगा बाबू जी, बड़ी पहली में खड़े है मतलब हमारा जी। क्रीम लेना ये क्यों बांट रहे हो आप, हिस्से क्यों कर रहे हो? जब दे रखा बाबा साहब ने कहा दिया है आरक्षण, तो आप ये क्रीम लेयर कहाँ से, उनको कहाँ डालोगे? अगर आपने उनको छांट दिया क्रीम लेयर में, ठीक है। तो ये लोगों की मांग है, कोटा विद इन कोटा का विरोध कर रहे हैं, जैसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको लेकर अलग अलग जगह प्रदर्शन कर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा आगरा का रुख करेंगे, कामिर कुरैशी हमारे साथ हैं। कामिर, लोगों से बात करिए, किस तरह ले रहे हैं वो, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल, देखिए क्रीमी लेयर को लेकर आगरा में एससी एसटी समाज के लोगों के द्वारा जरूर प्रदर्शन किया गया, लेकिन आगरा की जो पुलिस है वो अलर्ट मूड में थी, सड़कों पर लोग जरूर उतरे लेकिन रूट डाइवर्ट कर दिया गया। इस समय तस्वीर आपको दिखा देते हैं, हम जिला मुख्यालय पर हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ थी, यहाँ पर पुलिस ने चुनिंदा लोगों को अंदर एंट्री दी और जो ज्ञापन था वो यहाँ पर लेकर उनको रवानगी दी। हालांकि शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी सिटी आगरा के सूरज राय जी हैं, उनसे बात करें। सर, किस तरीके का प्रदर्शन पूरा था और किस तरीके की कार्रवाई की गई थी और क्या पुलिस का काम था? देखिए, आज प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगह पे पत्रक लिए जा रहे हैं, जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, तो हम लोगों ने 245 कंपनी पीएसी, 8 कंपनी सीएपीएफ तथा इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। सभी संगठनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता हो चुकी है और सबने ये आश्वस्त किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही साथ इस तरह के आयोजनों में कुछ उपद्रवी तत्व इसका मौके का फायदा उठा के गड़बड़ी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे भी हमारी सतर्क दृष्टि है और हमारी फुट पेट्रोलिंग चल रही है। हमने ड्रोन, सीसीटीवी तथा वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की है और हम आश्वस्त करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दी जाएगी और इसमें हमें आम व्यक्तियों का सहयोग भी मिल रहा है। सभी तरह जगहों पे बाजार इत्यादि खुले हैं, आम जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है। धन्यवाद। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह आरक्षण में कोटा विद इन कोटा का विरोध चल रहा है। ऐसे में एहतियात के तौर पर सभी शहरों में पुलिस अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए उसके मुकम्मल इंतजाम किए हैं। एसपी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने इसका समर्थन किया है। और सीधे अब आपको आगरा लिए चलते हैं, कामिर कुरैशी हमारे साथ हैं। जी कामिर, क्या तस्वीर है आगरा से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको दिखा दें जिला मुख्यालय की ये तस्वीर है और यहाँ बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस को पहले से ही अलर्ट मोड में कर दिया गया था और साफ आदेश दे दिया गया था कि जिला मुख्यालय के अंदर किसी ज्यादातर भीड़ को एंट्री नहीं रहेगी। तो चुनिंदा लोग हैं उनको जरूर जिला मुख्यालय के अंदर बुलाया गया और जो अपर जिलाधिकारी हैं, जो जिलाधिकारी हैं उनको जरूर ज्ञापन दिया गया, उनकी मांगों को सुना भी गया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और उसके बाद शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस ने उनको यहां से रवाना किया। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, जानकारी के लिए शुक्रिया।
तो देश भर में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। एसपी, बीएसपी और आजाद समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया, लेकिन मेरठ में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भारत बंद का विरोध जताया। मेरठ से निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन जहां आज भारत बंद की कॉल की गई है, सपा, बसपा और आसपा तीन दल इसको समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग आज भारत बंद के खिलाफ भी आए हैं। ये मेरठ का कमिश्नर चौराहा है जहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये लोग यही कह रहे हैं कि भारत बंद नहीं होना चाहिए, जो आरक्षण व्यवस्था है जो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है वैसा ही होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार की जय जयकार भी कर रहे हैं। ये बताएं भाई साहब, क्या आज मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप आए हुए? मुद्दा सर ये है कि हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से कहना चाहते हैं कि जो आरक्षण का शुरुआत हुई है और वाल्मीकि समाज में पूरे देश के अंदर एक खुशी और हर्ष का विषय है, हम चाहते हैं आरक्षण हमें लागू हो हमारे लिए, क्योंकि अब तक का जो अधिकार हमारा गया है वो आगे ना जाए। और ये जो बंद है, हम इन्हें कहना चाहते हैं कि आपने 78 वर्ष आपने आरक्षण का लाभ लिया है, अब सोते ही आपको घर बैठ जाना चाहिए। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है जिसके लिए आज विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है, क्या आप उनके साथ हैं या अलग हैं? विरोध में जो आज ये बंद का आह्वान किया है, जिन लोगों ने, जिन लुटेरों ने आज ये बंद का आह्वान किया, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, बिल्कुल बहिष्कार करके हैं, और पूरे देश का वाल्मीकि समाज इसका बहिष्कार करता है। आप ये बताएं कि सरकार को क्या करना चाहिए, आपका मंतव्य क्या है, सरकार किस तरह से इसको करेगी? 1 अगस्त 2024 को जो सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्य खंडपीठ ने जो फैसला दिया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उप आरक्षण से उपेक्षित जातियों के लिए उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया है, वो फैसला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस नारे को सार्थक कर रहा है, जो नारा उन्होंने दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विकास होने का समय आ गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। उधर पटना में भारत बंद के दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। पटना के कई इलाकों में प्रदर्शन जारी है। पटना के महेंद्रू में अंबेडकर छात्रावास के बाहर दलित संगठनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया है, और इस दौरान सड़क पर आगजनी भी की गई। बिहार में पटना समेत कई शहरों में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। दरभंगा से लेकर मोतिहारी, शेखपुरा, पूर्णिया, औरंगाबाद, आरा, जहानाबाद, कई जगह बाजारों को बंद करवा दिया गया। और पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उसको हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।